السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم حضرات من دودين بهل شريف आप हज़रा के सामने पेश की थी जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबूज़र ग़ीफ़ारी रवी ताला तन को सात बातों की वसीयत फरमाई थी दो वसीयतें तफसील के साथ बयान की जा चुकी हैं तीसरी वसीयत यह है असिल व इन अदबरत कि आप अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया कि मैं सिला रहमी करूं अपने रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक अगर अगरचे वो मुझसे एराज करे मुंह फेरे फिर भी मैं उसके साथ ताल्लुक़ उसवार रखूं। सिला रहमी बड़ी अहमियत का हामिल वस्फ है इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि अल्लाह तबारक व ने अपने साथ इसको जिक्र फरमाया है वाहफ के साथ बिही वल अरहाम के उस अल्लाह तबारक तआला का लिहाज करो उसकी रियायत करो उसकी नाराजगी से बचो उससे डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो अरहाम और रिश्तेदारों का लिहाज करो अपने रिश्तों को निभाओ उनको जाया ना करो एक दूसरी तरह से हम इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तैने ने الرحيم نکالا ہے یہ يباد آب صلى الله عليه وسلم حديث قدسي بيان فرماي فرمایا أنا الرحمن وهي الرحيم شققت لها اسما من اسمي فمن قطعها بتته ومن وصلها وصلته أو كما قال عليه الصلاة والسلام फरमाया कि अल्लाह रब्ज़त का इरशाद है कि मैं रहमान हूँ और ये रहीम है अरबी में रिश्ते को रहीम कहते हैं अल्लाह तबारक वाली ने इरशाद फरमाया कि मैंने रहीम को रहमान से निकाला है दोनों में रहमत का मादा मौजूद है रहमान की रहमत का मजहर है रहीम रहीम के अंदर रहमत होती है मेहरबानी होती है उल्फत होती है एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है ये रिश्तों की असल है उसकी असल फ़ितरत है जिस पर अल्लाह तबारक तआला ने पैदा फरमाया है तो फरमाया शक्तल इस मिन इस्मी मैंने अपने नाम से इसका नाम निकाला है जो रिश्तों को जोड़ेगा मैं उसको अपनी रहमत से जोडूंगा अपनी रहमत से उसको नवाजूंगा वो मन कब जो रिश्तों को तोड़ेगा मैं भी उसको अपनी रहमत से जुदा कर दूंगा रिश्ते अल्लाह तबारक व तला के बनाए हुए इसमें इंसानों का अपना कोई इख्तियार नहीं किसी शख्स ने अपनी पसंद से कोई रिश्ता नहीं चुना है किसी को अपना चचा अपनी फूफी अपना मामू अपनी खाला बनाने में हमारा कोई इख्तियार नहीं ये अल्लाह तबारक तआला के बनाए हुए हैं आसमान से उतरे हैं इसलिए जो रिश्तों का ख्याल करता है वो रहमान की तकदीर का और तकसीम का लिहाज करता है बहुत सारे लोग कह देते हैं कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं हमारा और उनका रिश्ता खत्म हो गया आप कौन होते हैं रिश्ते को ख़त्म करने वाले रहमान ने जिसको बनाया है उसको बंदा खत्म कर सकता है इसलिए जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर से यह फरमाई कि अगरचे रिश्तेदार एराज करें बेरुखी करें लेकिन हमें फिर भी उसकी रियायत करना है उसको निभाना है उसके साथ वफ़ादारी और ताल्लुक़ का मामला करना है ये कई हदीसों में ये बात आई है एक जगह आप ने फ़रमाया अफ़लसद सदाक़तन अलादर का शह कि अफजल तरीन सदक़ा है उस रिश्तेदार को देना जो आपसे बोज रखता है हसद करता है एक सहाबी ने अर्ज किया इन अली कराब तन असीलोह वी इलैया कि मेरे रिश्तेदार हैं मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूँ वो बदसलूकी करते हैं मैं उनके साथ सिला रहमी करता हूँ वता रहमी करते हैं अब सल्लाम ने फरमाया इन का सलात कि अगर बात ऐसी है जैसा कि तुम बयान कर रहे हो तो गोया कि तुम उनके मुँह में गर्म गर्म राख डाल रहे हो मतलब यह है कि ये तुम्हारा आला जर्फ है कि बदसलूकी करने के बावजूद भी उनके साथ साथन सलूक कर रहे हो इससे उनको शर्मिंदगी होगी उनकी जिल्लत और रसवाई होगी उनकी कमजरफी सामने आएगी और तुम्हारा आला जर्फ तुम्हारे आला अख्लाक का इजहार होगा इससे तुमको नुकसान नहीं होगा बल्कि तुम्हें फ़ायदा होगा और जो बदसलूकी करते हैं उनके मुंह पर यह तमाचा होगा उनको मालूम होगा कि यह शख्स कितना आला जरफ है कि हमने इससे ताल्लुक तोड़ा लेकिन इसने उस ताल्लुक को निभाया रिश्ते के साथ हसन सुलूक करना यह अल्लाह तबारक तआला को पसंद है और दुनिया में भी इसकी खैर और बरकत का वादा किया गया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व युनसा रज़ी फी अथरी फ़लीसलर रहिमा जिसको ये पसंद हो कि उसके रज़ में बरकत हो कुशादगी हो उसके पास वसात व फ़रावानी हो और उसकी उम्र में इजाफा हो बरकत हो सेहत व तंदरुस्ती रहे लंबी उम्र हासिल हो तो फरमाया उसको सिला रहमी करना चाहिए इसकी बरकत से अल्लाह तबारक तआला उसको सेहत देगा तंदरुस्ती देगा लंबी उम्र आता फरमाएगा और रिस्क में कुशादगी होगी ख़ुशियाँ मिलेगी बरकतें इनायतें नवाजिशें उसके क़दम चूमेंगी एक हज़रत आली रज़ील्ल की हदीस में एक और वादा इसके साथ ज़िक्र फरमाया गया है कि वा अनु मी तु के उसके लिए ये भी अल्लाह तबारक व ताली की तरफ से बशारत है कि बुरी मौत से अल्लाह तबारक व ताली उसकी हिफाज़त फ़रमाएगा इसके बरक्स जो लोग अल्लाह के रिश्तों को तोड़ते हैं अपने भाइयों के साथ अपने चचा खालू खाला, ख़ला चचाजाद भाई, अल-अक्रब फल अक्रब, अपने वालदे सबसे पहले जो लोग अपने रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करते हैं अल्लाह तबारक वाल आख़िरत में उनको अजाब देगा सख्त तरीन अजाब देगा और इससे पहले दुनिया में भी उनको इसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा फरमाया रसोल सल्लाम ने मिनंनज़म बिन अजदर माम बिन अजदराबत फिल दुनिया الرحم कि सबसे ज़्यादा दुनियावी सज़ा का मुस्तहिक आखिरत की सज़ा को छोड़कर जो आखिरत में सज़ा तजवीज़ की गई है वो बाकी रहेगी लेकिन दुनिया में भी जल्दी उसको सज़ा मिल जाएगी ऐसा गुनाह सबसे ज़्यादा जो दुनियावी सज़ा का भी मुस्तहिक है और आखिरत की सज़ा अलग से दी जाएगी उसमें फरमाया जुल्म किसी पर ज्यादती करना और रिश्ते के साथ बुरा सलूक करना अगर आपने किसी पर जुल्म किया वो छोटा हो या बड़ा उसकी सज़ा दुनिया में आपको मिलेगी अपने रिश्तेदारों तो, के साथ बदसलूकी की तो अल्लाह तबारक वाली आपको दुनिया में सजा देगा आप पनप नहीं पाएंगे इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व के बनाए हुए रिश्तों का ख्याल करें उनके साथ सिला रहमी करें एक हदीस में आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इशात फरमायाबिलमुकाफिकमन कि वो सिला रहमी करने वाला नहीं कहलाएगा जो बराबरी का मामला कर दे ऐसा तो सब करते हैं कि उन्होंने अच्छा सलूक किया हमने उसका बदला दे दिया उन्होंने हदिया भेजा हमने उसके बदले में हदिया भेजा सिला रहमी करने वाला वो है कि उसका रिश्तेदार उससे क़ा तल्ल ही करे और ये उसके साथ ताल्लुक़ को उसवार रखे ताल्लुक़ निभाए वफादारी करे वो इसको गाली दे ये उसको सलाम करे वो उसको अजियत पहुँचाइए उसको हदिया और तोहफा दे राहत का सबब बने الله تبارك وتعالى همي عمل کرنے کی توفيق عطا فرمائے وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين